जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये काफ़ी बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको जीके जल्दी से याद नहीं होती, चाहे वो साइंस हो, जीएस हो या करंट जीके हो, उनको जीके जल्दी से याद नहीं होती है। उसके लिए आज का पूरा वीडियो है। जिन बच्चों को जीके कम याद होती है या जीके पढ़ने का सही तरीका नहीं पता, उनके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। उस तरीके से अगर आप जीके पढ़ोगे, उस तरीके से अगर आप जीके का मतलब याद करने की कोशिश करोगे, तो गारंटी है मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपको। आप केवल 10 दिन ये तरीका आप आजमा के देख लीजिए, आपको 100% मतलब 100% आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ और, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो लिंक नीचे है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पर आपके संबंधित पढ़ने की संबंधित बहुत सारी सामग्रियाँ मिलती रहेगी। साथ में नई नोटिफिकेशन की PDF आपको मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ उधर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, जीके जितने भी बच्चों को, ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि उनको जीके याद नहीं होती। ये आपका नहीं, 90% लोगों का ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको जीके याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि सही तरीका, किस तरीके से उनको जीके याद करनी चाहिए वो पता नहीं। जीके ज़्यादातर लोग जो पढ़ने का जो तरीका होता है वो खोल लेंगे और पढ़ते रहेंगे। आपको मैं बताऊँ, इस प्रकार से कभी आपको जीके याद नहीं होगी, और जो लंबे याद तो होती है लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहती, और इस प्रकार से जीके कभी लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप जब जीके पढ़ने लगते हो, एक तो आपको सुस्ती छा जाती है, और बिल्कुल ऐसे पढ़ते हो। जीके बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इसको पढ़ने में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ है तो है क्यों, ये चीज़ क्यों हो रही है। आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है सबसे पहले। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो जीके में, तो दोस्तों आपको उसके बारे में मतलब इस प्रकार से जानना है कि हाँ, ये अगर इतिहास में ये हुआ है तो ये क्यों हुआ है, इसका क्या रीज़न है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा चलते रहना चाहिए, और हमेशा क्यूरियोसिटी। एक जीके को कभी भागना नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पेज पलटने में रहते हैं, आज मैंने इतना पढ़ लिया, आज मैंने इतना पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। जीके को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें आपको समय देना पड़ेगा, और बिल्कुल आसानी से पढ़ना है, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ना है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर मान लो आप मुगल काल पढ़ रहे हो जीके में, तो मुगलों के बारे में आपको फिर उसके बाद में पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। आपको मुगल काल इस प्रकार से पढ़ना है कि ये क्या हुआ था, फिर ये जहांगीर, फिर ये अकबर, तो उनका आपको पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या हुआ था, शाहजहाँ ने क्या किया, इसके काम क्या था, ये कब से कब रहा है। मतलब आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए, बारीकी से आप इसको अच्छे से पढ़िए, भले ही उसमें आपको समय लगे। आप मान के चलिए जितना समय आपको पढ़ने में लगेगा उतना ही समय आपको भूलने में भी लगेगा। तो इस प्रकार से पढ़े, साथ में एक नोटबुक हमेशा पास में रखें और पेन हमेशा रखें। तो उस पेन में इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है आपको वो लिखते रहना है। बाद में जैसे मुगल काल पढ़ रहे हो तो बाद में आपने इनकी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिख ली है, जैसे शाहजहाँ ने क्या क्या किया, अकबर ने क्या क्या किया, जहांगीर ने क्या क्या किया। बाद में आपको उसमें से देखना है कि इसमें कॉमन चीज़ क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ इन्होंने सब ने की है, इनकी खास बात क्या क्या है, इनमें कौन कौन सी शैलियाँ रही इनके समय में, और वो शैली है क्या, उस शैली के मकान होते कैसे हैं, ये चीज़ें आपको पता। जैसे द्रविड़ शैली कौन सी है, तो उनके बारे में भी फिर आपको पता करना है। तो आपके एक टॉपिक के साथ में शैली वाले क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ में कि इसके साथ में और कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब राजपाट था, वो भी वहाँ पर आपको कई प्रकार से क्लियर होता है। तो मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे आपने मुगल काल पढ़े, फिर आपके पास में वस्तुनिष्ठ जो बुक होती है उसमें आपको मुगल काल के जो वस्तुनिष्ठ ऑप्शन होते हैं उसी समय नहीं करने, उसी समय तो आपको पूरे याद रहेंगे, अगले दिन उसको करना है वस्तुनिष्ठ में कि आपको कितना याद रहा, वहाँ पर आपकी जांच हो जाएगी। उसके अलावा जो छोटी गाइड बुक रहती है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए रहते हैं सीधे सीधे इंपॉर्टेंट, उसको उठाना है और उस गाइड में से एक बार और पढ़ना है। तो इस प्रकार से अगर आप जीके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगी, और 3 बार एक ही चीज़ की रिपीटेशन होगी। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ते हो जीके की, तो आपको मतलब क्यूरियोसिटी पैदा करनी है अपने मन में भी और बुक में भी कि मतलब ये हुआ तो हुआ कैसे। अगर आप जैसे अगर विज्ञान पढ़ रहे हो तो आपको मतलब उसके बारे में, अरे यार ये इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। ऐसा भी होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसका एड्रेनली नाम है, इसका ये है, ये कहाँ की है, ये नस कहाँ की है, जैसे वो सबसे छोटी स्त्री कौन सी है, तो ये कहाँ पर है, इसका क्या काम है, उसको मतलब आपको इमेजिन भी करना है, तब आपको अच्छे से याद होगी। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप जीके पढ़ोगे इंटरेस्टिंग बना के, और साथ में लिख के, और उनमें कॉमन चीज़ें ढूंढ के, फिर उनमें जो शैलियाँ दी गई उनके बारे में जानोगे, तो आपको जीके में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और अपने आप अच्छे लॉन्ग समय तक याद रहेगी। तो इस प्रकार से एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।